नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल आज ही आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, पुश बाइनरी चैनल में आपको रेलवे से संबंधित और इंटरनेट की दुनिया से संबंधित ढेरों सारे वीडियोज मिलेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम वीडियोज को बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाएं ताकि वीडियोज का फायदा हर किसी को बहुत आसानी से मिले और पहुंचे। दोस्तों, अगर कभी आप हमारा चैनल इंटरनेट पर सर्च करना चाहें तो आपको बहुत ही PUSHBINARY टाइप करना है बिना किसी स्पेस के। PUSHBINARY टाइप करना है और आपको करना है सर्च पर क्लिक। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा पोस्ट बाइनरी चैनल। आपको क्लिक करना है पोस्ट बाइनरी पे और आपको जैसे ही पोस्ट बाइनरी आता है तो आप हमारे वीडियोज देख सकते हैं और सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे वीडियोज को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ रेलवे टिकट कैंसिलेशन से संबंधित कुछ नियम। कितना आपको कैंसिलेशन चार्ज देना होगा, अलग अलग प्रकार के टिकट्स में कब आपको टिकट कैंसिल करनी चाहिए, ये कुछ नियम हैं जिनको आपको टिकट कैंसिल करते समय ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रिफंड मिले। तो आइए शुरू करते हैं क्या नियम हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हर एक एक क्लास का डिस्कस करेंगे, हर क्लास में कितने चार्जेज होते हैं और क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला नियम है आपका, अगर कोई आपका कंफर्म टिकट है तो आपको उसको 48 घंटे पहले कैंसिल करना होता है। यानी कि अगर आप 48 घंटे पहले कैंसिल करेंगे तो आपको उसका फुल अमाउंट रिफंड मिलेगा और कुछ फ्लैट उस पर चार्जेस लगेंगे। तो अगर आप 48 घंटे के बाद टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपका कुछ परसेंट कटता रहेगा। जैसे जैसे आप डिले करेंगे ज़्यादा कटेगा, आप जल्दी करते हैं कम कटेगा। तो आइए हम आप शुरू करते हैं हर क्लास में कितना कितना आपके चार्जेस लगेंगे। एक जो होता है अभी हम डिस्कस करते हैं जो फ्लैट चार्जेज, यानी कि अगर आप 48 घंटे पहले किसी भी कंफर्म टिकट को करते हैं तो हर क्लास के जो फ्लैट चार्जेज हैं वो आपको कितने देने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई सेकंड क्लास का टिकट बुक किया है, सेकंड क्लास मतलब जिसमें सिर्फ बैठने की होती है, सोने की नहीं होती है, सिटिंग होती है जिसमें बेंचेज होते हैं उसको सेकंड क्लास कहते हैं, और जो नॉन एसी होता है, अगर आप इसमें कोई रिजर्व टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको देने होते हैं सिर्फ 60 रुपये, यानी आपके 60 रुपये कट जाएंगे। तो ये फ्लैट चार्जेस हैं। और अगर आप किसी स्लीपर क्लास में आपकी जो कंफर्म टिकट है उसको आप कैंसिल करते हैं तो आपको देने होंगे 120 रुपये, यानी आप 48 घंटे पहले अपनी कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं स्लीपर क्लास की तो आपके 120 रुपये कटेंगे। और यही आप अगर थर्ड एसी या फिर एसी चेयर कार में करते हैं तो आपको देने होंगे 180 रुपये। आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा, सिर्फ 180 रुपये आपको फ्लैट देने होंगे। आपके भले ही उस टिकट पर एक हो, दो हो या फिर 5 लोग हों, आपको देने होंगे सिर्फ 180 रुपये। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि आप कोशिश करें टिकट को आप 48 घंटे पहले ज़रूर कैंसिल करें। और सेकंड क्लास में सेकंड एसी में आप देख सकते हैं सेकंड एसी में आपके लगेंगे 200 रुपये और फर्स्ट एसी में आपके लगेंगे 240 रुपये। यानी कि आप कोई फर्स्ट एसी एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसिल कराते हैं तो 240 रुपये लगेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं हम जो टाइमिंग से संबंधित जो नियम है। अभी हमने देखा कि जो फ्लैट चार्जेस थे, यानी कि अगर आप 48 घंटे पहले करते हैं तो इतने आपको फ्लैट चार्जेस देने पड़ेंगे हर क्लास में। तो अब जानते हैं कि अगर आप 48 घंटे से 12 घंटे के बीच में, यानी आपकी ट्रेन चलने के 48 घंटे और 12 घंटे के बीच में अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपका जो 25% है टोटल टिकट की कॉस्ट जो है, यानी मान लीजिए आपके टिकट में चार लोग, एक टिकट में चार लोग ट्रेवल कर रहे हैं और 1000 रुपये की टिकट है तो 1000 रुपये टोटल कॉस्ट, तो 25% यानी 250 रुपये उसका कट जाएगा। और जो फ्लैट चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके अलावा 25% और आपका कटेगा।
और अगर आप 12 घंटे से 4 घंटे के बीच में करते हैं, यानी आपकी ट्रेन चलने के सिर्फ 12 घंटे और 4 घंटे के बीच में आप बचे हैं और आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपका 50% अमाउंट कट जाएगा। यानी कि 1,000 रुपये का आपका टिकट था, तो आपका 500 रुपया तो ये कटेगा ही कटेगा, प्लस जो कैंसिलेशन चार्जेस थे, फ्लैट चार्जेस हैं जो कि हर क्लास के हिसाब से वेरी करते हैं, वो आपके कटेंगे। और अगर आप ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले पहले यानी 4 घंटे के अंदर आप अपना रिफंड के लिए जाते हैं, तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा, अगर आपको कैंसिल करनी ही है अपनी टिकट, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप 48 घंटे पहले करें, और ज़्यादा पहले कर लें। आप इंतज़ार ना करें, आप 11th आवर का इंतज़ार ना करें। हाँ, अब एक और जो सवाल आता है, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो IRCTC, यानी कि आपने कोई टिकट जो ऑनलाइन बुक किया है और जो वेटिंग टिकट है, उस पे क्या चार्जेस लगेंगे। देखिए, जो वेटिंग टिकट होता है, जो IRCTC से आप बुक करते हैं, उस पे कैंसिलेशन के कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन क्लरिकल चार्जेस लगते हैं। यानी कि जो टिकट है उसके रिफंड को प्रोसेस करने के लिए जो बैंक आपसे लेता है, और क्योंकि आपने ऑनलाइन किया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से किया हुआ है, तो उसके कुछ पैसे देने पड़ते हैं आपको। तो वो कितने होते हैं, आइए हम जानते हैं। जो आपको एक फ्लैट 65 रुपया देना होता है, यानी कि कोई भी टिकट आपने IRCT की साइट से ऑनलाइन बुक किया है और वो वेटिंग पे चल रहा है, तो आपके 65 रुपये कट जाएंगे। चाहे वो थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, इन सब में आपके 65 रुपये कटेंगे। अगर आपने कोई अनरिजर्व टिकट और सेकंड क्लास का टिकट IRCT से बुक किया है और वो अभी भी वेटिंग पे चल रहा है, तो उस केस में सिर्फ आपके 30 रुपये कटेंगे। तो और एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने ऑनलाइन किया है, तो आपको अलग से टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका पैसा अपने आप रिफंड हो जाएगा और आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा 65 रुपये कट के। तो ये था। और अगर यही आपने कोई टिकट रेलवे काउंटर से बुक किया है और वो वेटिंग लिस्ट में, तो आपको पहले उसे ऑनलाइन या कैंसिल कराना पड़ेगा, या फिर आपको रेलवे काउंटर पर जाके कैंसिल कराना ही पड़ेगा। उस केस में आपका पूरा रिफंड हो जाएगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। हाँ, एक और जो सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सबके दिमाग में, ये क्वेश्चन होता है कि कई बार आप तत्काल में टिकट बुक कर देते हैं और आपने कई और लोगों को भी बोला होता है, तो आपके पास 2 या 3 टिकट हो जाते हैं। तो क्या हम तत्काल टिकट को रिफंड कर सकते हैं, कि तत्काल टिकट को हम कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ, आप कैंसिल तो कर सकते हैं, तत्काल टिकट को आप कैंसिल कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत, लेकिन आपको तत्काल का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप तत्काल कर रहे हो तो उस टिकट का इस्तेमाल कीजिए, और तत्काल टिकट रिफंडेबल नहीं होता है, तो तत्काल टिकट का आपको 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी रेलवे से संबंधित, टिकट कैंसिलेशन से संबंधित जानकारियाँ। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम आपके 24 घंटे के अंदर आपके सवालों का जवाब देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।